बच्चों मैंने आपको बताया था कि पैरा जंबल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट होता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी सही, चाहे वो एग्जाम सीडीएस सही, चाहे एग्जाम एनडीए सही, एयरफोर्स का कोई एग्जाम सही, नेवी का सही, या फिर कैट मैट कोई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम सही, चाहे सीसेट आईएएस सही, यानी कि मोस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको चाहे एफकेट है, सीपीएफ है, इन सब में ये पैरा जंबल आपको पूछे जाते हैं और काफी नंबर्स के आते हैं। अगर एसएससी सीडीएस एनडीए की बात करें तो उनमें तो काफी नंबर्स के ये आते हैं। एयरफोर्स की बात करें तो उसमें एक से दो क्वेश्चन उसमें आते हैं, और एक से दो क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर दो तीन क्वेश्चन इसके आते हैं और आउट ऑफ 20 आते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। और मैंने कहा था इसमें देखिए पैटर्न होगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड। इस क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, दीज स्टेटमेंट्स फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, और ये स्टेटमेंट क्या करते हैं कि एक कोहेरेंट पैराग्राफ फॉर्म करते हैं व्हेन प्रॉपरली अरेंज्ड, जब इनको प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाता है। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव representing the proper and logical sequence of these statements, आपको वो option follow करना है जो इसका proper और logical sequence बताता है। बात समझ में आ रही है? देखिए आपको चार options दे रखे हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक इसकी काफी बताई है। सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है वो कैसा रहना चाहिए। मैंने कहा था स्टार्टिंग स्टेटमेंट, या जिसको मैं कह सकता हूं ओपनिंग स्टेटमेंट, कैसा रहना चाहिए जो टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करे, क्योंकि ये जो पैरा जंबल्स हैं ये किसी पैसेज का ही तो पार्ट है, और पैसेज को लिखने का तरीका होता है कि शुरुआत की लाइंस में हम क्या करते हैं, पैसेज का इंट्रोडक्शन देते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, एंडिंग लाइंस में क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। आप किसी भी भाषा में देख लो, हिंदी में हम शुरुआत में क्या लिखते हैं, प्रस्तावना, और एंड में क्या लिखते हैं, उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। तो स्टार्टिंग लाइंस में आप मान लिया करप्शन पर कोई अपना आर्टिकल लिख रहे हैं तो टीचर बोलेगा स्टार्टिंग की जो लाइंस है बच्चे इसमें सबसे पहले बताइए कि व्हाट इज करप्शन, यू नीड टू डिफाइन द करप्शन, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की लाइन में आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग की लाइन में आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं, टॉपिक को परिभाषित करते हैं कि टॉपिक किसके बारे में, राइट। यहां तक कहीं किसी को कोई दिक्कत? तो स्टार्टिंग की लाइंस में क्या करते हैं, आप टॉपिक को डिफाइन करिए, और डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग लाइंस ओपनिंग स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए जो पूरी तरीके से बात करे, बताए कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दूसरी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एब्रीविएटेड फॉर्म और फुल फॉर्म। तो मैंने कहा था फुल फॉर्म जो है किसी चीज की वो पहली आएगी और एब्रीविएटेड फॉर्म जो है उसके बाद आएगी, राइट और नॉट। अब इसमें देखिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी इसमें नहीं पढ़ा, मैंने देखा IBBF आ रहा है, और आप जानते हैं कि IBBF क्या है, इसकी कोई एब्रीविएटेड फॉर्म है, तो एब्रीविएटेड फॉर्म है तो इसकी कोई फुल फॉर्म भी होगी, और इसकी फुल फॉर्म कहां दे रखी है, ऑप्शन सी में, और वो दे रखी है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। तो बच्चों मैंने ये पूरा पैसेज न तो पढ़ा, ना मुझे पता है कि इन लाइंस में क्या लिखा है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूं मेरी जो ट्रिक है एब्रीविएटेड फॉर्म और फुल फॉर्म की, ये जो मैंने ट्रिक आपको दी ये क्या बताती है कि सबसे पहले फुल फॉर्म आएगी फिर एब्रीविएटेड फॉर्म आएगी। फुल फॉर्म की बात हो रही है किसमें, सी में, और एब्रीविएटेड की फॉर्म की बात हो रही है ए में, तो मैं कहूंगा सी के बाद ए आना चाहिए। सी के बाद ए किसमें नहीं है, थर्ड में नहीं है, एम आई क्लियर, फोर्थ में भी नहीं है, तो सी के बाद ए किसमें है, पहले में है और दूसरे में है, तो मैं कहूंगा कि ये दो आंसर हो सकते हैं। तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है विदाउट डूइंग एनीथिंग, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट वाली लाइन क्या बताई कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ये टॉपिक को पूरी तरीके से डिफाइन करे, परिभाषित करे। अब जरा देखिए इन केस ऑफ, ये केस की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी डिफाइन नहीं हुआ, तो देखिए डी से प्रॉपरली डिफाइन हो रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ डीप रिग्रेट एंड कंसर्न, ये बहुत ही शोक और दुख का विषय है, दैट द स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफन कॉज मोर हार्म टू द इमेज ऑफ कंट्री, कि स्पोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस देश की साख को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बजाय उन स्पोर्ट्स मैन और वुमेन के जो अपनी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे।
तो बच्चों ये टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए जो टॉपिक को डिस्क्राइब करे? तो बच्चों डी से स्टार्टिंग होगी और सी ए एक साथ में होगा, ये संयोग कहां आता है? डी से स्टार्टिंग, हाँ ये केवल सेकंड में आता है, तो आंसर इज सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो मैंने देखो पूरा ये पैसेज पढ़ा नहीं, पढ़ता फिर देखता एक के बाद बी आएगी सी आएगी, खामखा गुत्थी सुल जाता दिमाग में और ज्यादा टेंशन होती। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपने इन दो ट्रिक्स के माध्यम से इसको सॉल्व करना। बट इट एक कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए जो टॉपिक को पूरी तरीके से डिफाइन करे, परिभाषित करे, राइट और नॉट। और दूसरा एब्रीविएटेड फॉर्म और फुल फॉर्म, के फुल फॉर्म के बाद ही एब्रीविएटेड फॉर्म आएगी। अगर कहीं आप डब्ल्यू एच ओ देख लें और डब्ल्यू एच ओ की मान लिया सी में बात हो रही है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसकी जो फुल फॉर्म दे रखी है वो दे रखी है ए में, तो ए के बाद ही सी आएगा। क्लियर हूं बच्चों में यहां तक? नेक्स्ट देखिए, देखिए अगले पैसेज को। यस, ए में आ रहा है। हाँ बच्चों, ए में आ रहा है इट्स कार्गो, किसका कार्गो भाई? तो इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो कंट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, कौन सा पॉपुलर बिलीफ? वी डोंट नो एनीथिंग, राइट? तो बी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि टॉपिक को डिफाइन नहीं कर रहा। इट वॉज टू सेल, अभी इट कौन है हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। इन सेप्टेंबर 1522, पता नहीं भाई सेप्टेंबर 1522, इन 1519 इट वॉज टू सेल, वॉट इज इट? सबसे पहले तो मिट का पता कर लें कि ये इट क्या है। बात समझ में आई है नहीं? तो देखिए जहां इट इट की बात हो रही है तो मैं कह सकता हूं ना तो ई से स्टार्टिंग हो सकती, ना बी से स्टार्टिंग हो सकती और ना ही ए से स्टार्टिंग हो सकती। तो बच्चों ऑप्शन तो नहीं है कोई जो ए और बी से स्टार्ट कर रहा हो या ई से स्टार्ट कर रहा हो? तो ए से ये स्टार्ट कर रहा है और तो किसी से कोई नहीं कर रहा ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं एक दूसरी ट्रिक आपको और देता हूं, वो ट्रिक है क्रोनोलॉजी। जरा ध्यान से सुनना, इंग्लिश में मैंने कहा था मीनिंग सब इधर उधर से कॉपी की गई है। तो देखिए जो क्रोनोलॉजी भी टिका हुआ है ना, तो उसमें दो रूट लगे हुए हैं, एक तो सी एच आर ओ एन क्रोन और दूसरा लगा हुआ है लॉजी। यानी हिंदी में अगर इसका संधि विच्छेद करें तो वो होगा क्रोन प्लस लॉजी। क्रोन शब्द जहां भी अंग्रेजी में आ जाए इसका मतलब समय से रिलेटेड रहता है, टाइम से रिलेटेड रहता है। क्रोनिकल मैगजीन पढ़ी है स्वामी की, क्रोनोलॉजिकल पढ़ा है समयबद्ध कर देना, एम आई क्लियर? क्रोनोमीटर सुना है समय चक्र, होता है समय चक्र क्रोनोमीटर, सिमिलरली क्रोनोलॉजी। अब लॉजी का मतलब जहां भी आ जाए इसका मतलब साइंस होता है, आपको पता है। तो क्रोनोलॉजी का सिद्धांत क्या है? क्रोनोलॉजी का सिद्धांत ये है कि जो पास्ट की बात है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद प्रेजेंट की आएगी और उसके बाद फ्यूचर की आएगी। ये हमारा क्या है? क्रोनोलॉजी का सिद्धांत। बात समझ में आ रही है? 1857 क्रांति हुई, उसके बाद गांधी जी आए और उसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और आज हम किस में जी रहे हैं? स्वतंत्र जी रहे हैं। तो सबसे पहले किस सेंटेंस की बात होगी? 1857 की, फिर गांधी जी की 19 का जो राजस्थान 19 से लेके 40 तक, राइट? उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया 1947 की बात होगी और फिर हम कब करेंगे? प्रेजेंट की बात। तो ये जनरल सीक्वेंस है क्रोनोलॉजी के बेसिस पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पास्ट देन प्रेजेंट देन फ्यूचर। अगर हिस्ट्री के हिसाब से भी अपनी नॉलेज के हिसाब से भी अगर किसी सेंटेंस में आपको दे रखी है इंडस्ट्रियल इराक की बात और दे रखी है एगेरियन इराक की बात और दे रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात, तो आप दिमाग से क्या जानते हैं? क्रोनोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले युग कौन सा था? एगेरियन इरा। तो सबसे पहले एगेरियन इरा वाला सेंटेंस आएगा, दूसरा फिर कौन सा आएगा? इंडस्ट्रियल इरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा कौन सा आएगा? अब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और देखिए मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं ये मैं एक सेंटेंस इसमें लेता हूं, ए सेंटेंस दे रखा है इन एंशियंट टाइम्स मैन लिव्ड इन केव्स, नाउ ही लिव्स इन कॉन्क्रीट जंगल्स।
इन फ्यूचर वी मे लिव ऑन मार्स। तो देखिए बच्चों इस सेंटेंस को, इसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, इन एंशियंट टाइम्स मैन लिव्ड इन केव्स, प्राचीन काल में आदमी गुफाओं में रहता था, ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। नाउ ही लिव इन कॉन्क्रीट जंगल्स, अब वो कंक्रीट के जंगलों में मकानों में रहता है, तो अब ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। इन फ्यूचर वी मे लिव ऑन मार्स, हो सकता है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर चले जाएं, तो उसमें किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। तो क्रोनोलॉजी का सिद्धांत कहता है सबसे पहले पास्ट आता है, फिर प्रेजेंट आता है, फिर फ्यूचर आता है, तो उसका जो लॉजिकल सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा, ए बी एंड सी। व्हाट इट बच्चों, तो क्रोनोलॉजी का सिद्धांत आपको समझ में आ गया। क्रोनोलॉजी का सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की बात करेंगे, और फिर फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये तो 1519 की बात हो रही है और ये 1522 की बात हो रही है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1519, यानी कि स्टार्टिंग किससे होगी, डी से। तो बच्चों देखिए डी से स्टार्टिंग एक तो चौथे में हो रही है और एक किस में हो रही है, इसमें हो रही है। क्लियर हूं बच्चों यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कैसी भी, डी से स्टार्टिंग दो ऑप्शंस में हो रही है, बात समझ में आ रहे हैं। तो और देखिए डीई तो साथ में ही रहेगा, डीई दोनों में साथ में, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको केवल ए बी सी में रिलेशन देखना है कि इनमें कौन पहले और कौन पीछे आएगा। एम आई क्लियर और नॉट, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी तो बच्चों नहीं है, कैसी भी कोई दिक्कत। अब देखिए तो मैं कहूंगा डीई तो एक साथ में आएगा, ये तो आपने ऑप्शन से ही कह दिया, यू कोटेड इट फ्रॉम द ऑप्शंस कि डीई हमारा एक साथ में आएगा। अब इनमें लगाइए जरा तुम्हारी, देखिए तो मैं कह सकता हूं कि ये दो ऑप्शंस होंगे, यहां तक तो बात क्लियर है। सो कंट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, अब व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंट्ररी, कंट्ररी का मतलब मैंने एक और ट्रिक आपको दी थी, अगर आप किसी सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन देख लें या बट देख लें, तो बट कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है जिनमें आपस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो, विरोधाभास हो। तो देखिए ए और बी, ए में उस कंट्राडिक्शन की बात हो रही है कि इसका कार्गो में 38 सेक्स थे और मैगेलन हिमसेल्फ हैक्ड टू द पीसेस, तो सो कंट्रेरी टू द पॉपुलर ब्रीफ इट वाज टू क्रू, इट वाज द क्रू ऑफ विक्टोरिया जो कि पहले वहां पर ग्लोब का चक्कर लगा के आए। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन किस में हो रहा है, ए बी में, तो ए बी और साथ में आने चाहिए भैया, तो ए बी भी हमारा क्या है कि दोनों में ही साथ में आ रहा है। तो देखिए कितना नेक टू नेक ऑप्शन है, राइट। अब हम देखते हैं एंडिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है, एंडिंग स्टेटमेंट ये है, हु वर द फर्स्ट मैन टू हैव सेल्ड अराउंड द ग्लोब। ये 1500 जो 22 की बात है वो 1519 के बाद आएगी, लेकिन ये एंडिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो बी हमारा क्या है, एंडिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कंक्लूजन दे रहा है, निष्कर्ष दे रहा है, और मैंने कहा जो स्टेटमेंट आपका निष्कर्ष दे वही तुम्हारा आंसर माना जाए। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यस देखिए कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। द अनसस्पेक्टिंग गवर्नर, देखिए अगली ट्रिक, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दैट इज कॉल्ड आर्टिकल वे, बताया था, और आर्टिकल वे क्या कहता है कि दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक तो बच्चे होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट में क्या आता है, द। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग उसके प्रोनंसिएशन पर डिपेंड करता है वर्ड के, जैसे कि एलिफेंट है तो एलिफेंट में ए ई आई ओ यू का अगर प्रोनंसिएशन सुनाई पड़े तो आप लगाते हैं एन, और अगर कंसोनेंट का सुनाई पड़े तो लगाते हैं ए। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आ से लेके अंग तक का उच्चारण सुनाई पड़े तो एन, और का से लेके ज्ञा तक का उच्चारण सुनाई पड़े तो ए। एलिफेंट कहा है, छोटी ए, एलिफेंट छोटी ए आती है आ टू अंग, तो आंसर इज एन एलिफेंट, या फिर ए ई आई ओ यू का आपको सुनाई पड़े। तो ये यहां पर डिस्कस करने की बात नहीं है, यहां पर डिस्कस करने की बात है डेफिनेट आर्टिकल दा को। कोई चीज डेफिनेट कैसे होती है, जब उसका संदर्भ प्रसंग अथवा व्याख्या दे दिया जाए, जब उसका रेफरेंस यानी कि संदर्भ दे दिया जाए। एम क्लियर, अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है द इशू और इस द इशू की चर्चा मान लिया सेंटेंस में हुई है सी में,
और इशू जो वर्ड लेते हैं वो किस में है, बी में, तो पहले बी आएगा उसके बाद सी आएगा। द इशू क्या शो करता है कि इस इशू को हम पहले भी चर्चा में ला चुके हैं, इसका जिक्र पहले कर चुके हैं, और जिस सेंटेंस में हम इसका जिक्र कर चुके हैं वो सेंटेंस कम से कम द इशू वाले सेंटेंस से तो पहले आएगा। मैं कहता हूं अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास, तो मैंने आर्टिकल कौन सा यूज किया, इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, कि मुझे पता नहीं है कि बाहर कौन बच्चा खड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज माय ब्रदर, जो बच्चा बाहर खड़ा हुआ है वो मेरा भाई है, तो मैंने संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे दी, कौन सा बच्चा, वो जो मेरा भाई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बच्चों हम कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज को डेफिनेट कर दें। मैंने आर्टिकल के आपको बहुत सारे नियम बताए थे, मैंने बताया था कि जब हमारा कोई प्राइमरी पर्पस हो किसी काम को करने का, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य हो, तो हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते, और अगर हमारा सेकेंडरी पर्पस है तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, जेल, कॉलेज, प्रिजन, बेड, मार्केट, अगर इन जगहों पर जाना आपका प्राथमिक उद्देश्य है, हॉस्पिटल में आप क्यों जाएंगे, या तो डॉक्टर हो या पेशेंट हो, तो अगर आप पेशेंट की तरह हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर की तरह जाते हैं, तो उसमें दा कभी नहीं लगाएंगे। वी गो टू हॉस्पिटल एज डॉक्टर्स, एम आई क्लियर? लेकिन आप हॉस्पिटल अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं, उसकी टांग टूट गई है, तो आप क्या कहेंगे, आई गो टू द हॉस्पिटल, राइट और नॉट? अगर आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो आई गो टू स्कूल, अपने बच्चे की फीस जमा करने जा रहे हैं तो आई गो टू द स्कूल। अगर आप मंदिर में पाठ पूजा करने जा रहे हैं तो बोलेंगे आई गो टू टेम्पल, और जूते चुराने जा रहे हैं तो आई गो टू द टेम्पल। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, महेश गोज टू बेड टू द बेड एट 10 PM डेली, 10 बजे डेली सोने चला जाता है वो। तो बच्चों इसमें गलती क्या थी, द बेड नहीं आएगा, सोनी तो जाता है, तो महेश गो टू बेड एट 10 PM डेली, गॉट इट? तो ये मैं यहां पर डेफिनेट की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं केवल रेफरेंस की बात कर रहा हूं। रेफरेंस इन द सेंस, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं कहता हूं द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। क्या आना चाहिए, द सेंटेंस इज गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, क्लियर? क्यों, क्योंकि मेटेरियल नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं लिखता। लेकिन लेकिन अगर मैं गोल्ड का रेफरेंस दे रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं द गोल्ड दैट यू बॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज ऑफ फाइन क्वालिटी, जो आपने गोल्ड साउथ अफ्रीका से खरीदा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो यहां पर गोल्ड का क्या दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है, इसीलिए सही है। तो दा का प्रयोग हम डेफिनेट करने के लिए करते हैं। तो देखिए मैं आता हूं अपनी बात पर, तो आर्टिकल वे से आपने क्या पता लगाया, किसी के आगे दा लग जाए तो इसका मतलब वो डेफिनेट हो गया, डेफिनेट होने का मतलब इसकी सेंटेंस में किसी और में भी चर्चा है, तो जिस सेंटेंस में चर्चा है वो सेंटेंस दा लगने वाले सेंटेंस से पहले आया। अब इसमें आया देखिए द अनसस्पेक्टिंग गवर्नर, तो इसका मतलब ये डांस सस्पेक्टिंग गवर्नर, तो गवर्नर की बात पहले भी हो चुकी है, और वो किसमें हुई है, कौन सा गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। तो मैं कहूंगा बच्चों सी के बाद भी आना चाहिए, सी के बाद भी, 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 आंसर इज थर्ड, गॉट इट? सी के बाद भी इसमें आ रहा है, आंसर इज थर्ड, या फिर रुक जा, होल्ड योर हॉर्सेस, आंसर इज फर्स्ट भी हो सकता है अगर हम ये बात करें कि भाई सी के बाद भी आ रहा है। लेकिन अब मैंने पहली ट्रिक आपको क्या बताई थी, स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जो टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करे, ओपन करे। देयर वाज अ ट्विस्ट, अब ये ट्विस्ट कौन सा था, तो मैं कहूंगा डी से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, बी से हो नहीं सकती, सॉरी हाँ बच्चों, तो डी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, और मैं कहूंगा कि ये स्टार्टिंग जो है जब डी से नहीं हो सकती, ना ए से हो सकती, ना बी से हो सकती, तो स्टार्टिंग किससे होगी, सी से, क्योंकि सी टॉपिक को पूरी तरीके से डिफाइन कर रहा है, सी से स्टार्टिंग हो, और ए और बी और सी और बी के बाद बी हो, ये संयोग केवल थर्ड में मिल रहा है, फर्स्ट में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब थर्ड इज एन आंसर।
स्टार्टिंग स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखें अब देखिए वही आ गया जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था, वही आ गया। मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजी का सिद्धांत क्या होता है। क्रोनोलॉजी का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले पास्ट, फिर आएगा प्रेजेंट और फिर आएगा फ्यूचर। बट इन इंडस्ट्रियल इरा, इसमें किसकी बात हो रही है? इंडस्ट्रियल इरा की। सो इन द एगेरियन इरा, इसमें किसकी हो रही है? एगेरियन इरा की। नाउ इन इंफॉर्मेशनल इरा, तो बच्चों मैंने क्रोनोलॉजी का सिद्धांत बताया, सबसे पहले पास्ट, सबसे पहले कौन सा इरादा इरा था? एगेरियन इरा। उसके बाद कौन सा आया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कौन सा आया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं कहूंगा इतिहास के हिसाब से इतना तो जानते हैं कि पास्ट का पहले लेते हैं, फिर प्रेजेंट का, फिर फ्यूचर में। तो सबसे पहले एगेरियन इरा की बात हुई बी में, तो बी पहले आएगा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई ए में, तो ए इसके बाद आएगा, उसके बाद सी आएगा। बिना कुछ पढ़े कि ये क्या कहने वाले हैं, क्या मतलब सेंटेंस में बताने वाले हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि बी ए सी जो है बच्चों वो एक साथ में आना चाहिए, और सौभाग्य से वो दो में है, या तो फर्स्ट में और या फोर्थ में। कोई दिक्कत नहीं है, काई परेशान होते हैं, पूरी बात तो कर ले दो, इसमें भी है तो कौन सा हो गया। हाँ, बी ए सी, तो बी ए सी आप कह रहे हैं थर्ड में भी है। रोहन आप प्लीज, तो थर्ड में, तो हमने थर्ड पे भी निशान लगा लिया, तो मैं कह सकता हूं कि एक तो आंसर नहीं हो सकता। स्टिल यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट 33.33, आपके पास फिर से 33% प्रोबेबिलिटी तुक्का मारने की। ठीक है ना, कुछ तो मिला। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या बताया था? जो टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करे। और बच्चों वो कौन सा कर रहा है? वो कर रहा है एफ, विद रिगार्ड टू डिफेंस, डिफेंस के बारे में। द पर्पज ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन, मिलिट्री का पर्पज राष्ट्र की रक्षा करना होता है। एंड बी प्रिपेयर टू डू बैटल विद इट्स एनिमी, और अपने शत्रु से युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। तो एफ से स्टार्टिंग हो और बी ए सी एक साथ में हो, यह संयोग किस में मिलता है बताइए? फर्स्ट में। अब तो कोई कह के नहीं है, आंसर इज फर्स्ट, वॉट इट और नॉट। मैंने, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिख रहा है, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई उन्हीं के बेसिस पर न केवल आपका टाइम कंज्यूम होने से बच रहा है, जबकि अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी नहीं है तो भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉजिकल कनेक्टिव्स यू कैन मेक इट राइट। गॉट इट? ठीक है बच्चों, आगे चले, अब तो कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे हाँ बच्चों, अरे ये तो सबरी था। देखिए बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस, यस, आफ्टर डूइंग सो, ऐसा करने के बाद, कैसा करने के बाद, तो ऐसे स्टार्ट तो नहीं हो सकता ना। इफ मैनेज्ड पुअरली, क्या मैनेज्ड पुअरली, क्या मैनेजली पुअर, तो बताया नहीं इसने, तो इसका मतलब सी से स्टार्टिंग नहीं। टू प्रिवेंट योर बिजनेस फ्रॉम हार्ट अटैक्स, पता नहीं, सेवरल वेज टू डू दिस, ऐसा करने के बहुत सारे उपाय हैं। अब ये कौन, कैसा करने के, ये दिस किसके लिए है? तो बच्चों ना तो ई से स्टार्टिंग हो सकती और ना से डी से स्टार्टिंग हो सकती, स्टार्टिंग किससे होगी? बी से, और बी से स्टार्टिंग केवल एक में हो रही है, आंसर इज थर्ड। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई दिमाग नहीं लगा इसमें? ठीक है, और अगर दिमाग लगाते तो आप ये देखते कि ये दिस किसके लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने एक आपको प्रोनाउन वे का भी नियम बताया था, ये भी ट्रिक बताई थी प्रोनाउन वे की। प्रोनाउन वे कहता है कि पहले नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है। अगर यहां पर दे रखा है नरेंद्र मोदी और प्रोनाउन क्या है? ही, तो आपको देखना है कि ये ही किसके लिए आ रहा है। अगर कहीं दे रखा है दे और इसकी चर्चा हुई है मान लिया सी में, और आपका डी में आ रहा है क्या? फ्रेंच इंजीनियर्स, तो आपको केवल करना क्या है, ये देखना है कि ये दे किसके लिए आया है, और वो फ्रेंच इंजीनियर्स के लिए आया है। तो नाउन प्रोनाउन सीक्वेंस कहता है डी के बाद सी आना चाहिए, क्योंकि नाउन के बाद हमेशा प्रोनाउन आता है। तो ये तो वैसे ही आंसर हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। यस, दिस फैक्टर, कौन सा फैक्टर, केवल आपने ये दिस फैक्टर, कौन सा फैक्टर, विच फैक्टर, कहां बात हुई है बच्चों इसमें, कौन से फैक्टर की बात हुई है? वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो कौन सा है? एक्सक्लूजन। तो मैं कहूंगा बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए किसमें है?
इसमें है, इसमें है, बीके बाद ही ए तो इसमें तो खैर नहीं है, बहुत दूर है, राइट और नॉट। अब स्टार्टिंग कौन से स्टेटमेंट से होगी बच्चों? इन कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स, कौन सी दो चीज? तो बी से नहीं हो सकती, ए से नहीं हो सकती दिस फैक्टर, डिस्पाइट इसके बावजूद, डिस्पाइट द ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये दीज टेक्नोलॉजीज, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजीज की बात हुई है, तो मैं कहूंगा ए बी सी से स्टार्टिंग, ए बी डी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम सी, सी से स्टार्टिंग, बी ए एक साथ में, ये संयोग केवल फर्स्ट में मिलता है, आंसर इज फर्स्ट। कोई दिमाग लगाना पड़ा? क्लियर हूं बच्चों आगे? ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, टुडे आज ऐसा है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, कैसा किस लिए है सोच सकते हैं, दीज डिजीजेस, कौन सी डिजीजेस, कौन सी बताइए मुझे, कहां पे मिल रहा है इसका आंसर? उसका मिल रहा है इनहेरिटेंस डिजीजेस। एम आई क्लियर? तो बी के बाद सी आना चाहिए, बी के बाद सी पहले में है, बी के बाद सी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, तो बच्चों मैं कहूंगा बी के बाद सी भले ही इसमें, लेकिन बी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो आंसर इज दिस। क्लियर? कोई दिक्कत? तो कुछ करना ही नहीं पड़ा ना आपको, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, गुनगुनाइए मत। नेक्स्ट, कुछ भी पकड़ लें आप, लेकिन कनेक्टिव वर्ड, दीज रेंजेज, कौन सी रेंजेज है भैया ये, और बताऊं मैं? क्लियर? दीज रेंजेज भाई, कौन सी रेंजेज? और देखिए ई में आ रहा है दिस साइकिल, कौन सी साइकिल है भैया ये, विच साइकिल? आई हैव नॉट रेड एनीथिंग, लेकिन इसमें आ रहा है दिस साइकिल, ये कौन सी साइकिल है? 24 आवर साइकिल, 24 आवर साइकिल है या नहीं? तो इसके बाद डी के बाद ई आनी चाहिए, डी के बाद ई आनी चाहिए, डी के बाद ई, डी के बाद ई इसमें नहीं आ रही, डी के बाद ई, डी के बाद ई इसमें नहीं आ रही। क्लियर हूं बच्चों? तो डी के बाद ई आना चाहिए, ठीक है। अब सी से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, दीज रेंजेस पता नहीं कौन सी है, तो बी से स्टार्टिंग होगी। स्लीप वॉकिंग अगर इन अ डीप रेंज, तो आंसर इज फोर्थ वन। स्टार्टिंग का तो सबको पता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करे, पूरी तरीके से डिफाइन करे। कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों बोल दीजिए मुझे, अब तक आपको रहा हो तो। नेक्स्ट, इट इज वेरी, अभी इट इज, ये किसके लिए आया है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन द हिस्ट्री, यस, इट किसके लिए है? और देखिए दिस फ्रीडम, ई में आ रहा है दिस फ्रीडम, ये कौन सी फ्रीडम है भैया बताइए? स्कैन करिए, कौन सी फ्रीडम है? इंडिविजुअल फ्रीडम, बात किसमें हो रही है? डी में, तो एक तो मैं कह सकता हूं डी के बाद ई आएगा, तो डी के बाद ई किसमें है? डी के बाद ई इसमें है, इसमें है, डी के बाद ई इसमें नहीं है, डी के बाद ई इसमें भी नहीं है, तो मैं कहूंगा इन दो में से कोई हो सकता है। गॉट इट? ई से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या कह रहा है, दिस फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम? तो ई से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, डी के बाद ही ई आनी चाहिए, तो मैं कहूंगा थर्ड भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज फोर्थ। बताए, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बताइए। सीधा साधा सिद्धांत, ये दिस साइकिल, ये सॉरी दिस फ्रीडम किसके लिए आया है? दिस फ्रीडम आया है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, जिसकी चर्चा हुई है डी में, तो डी के बाद ई आना चाहिए, मोटा मोटा इतना तो जानता हूं मैं। हाँ, ऑप्शन गड़बड़ है तो बात अलग है, कौन सा सी नहीं हो सकता? स्टार्टिंग तो ए से होगी, काय को परेशान हो, इसमें स्टार्टिंग ए से होगी, ये तो आप जानते हैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट से, तो ज्यादा घमा का ऑप्शन भी दिक्कत है तो भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ए तो बीच में है ना, ए बीच में नहीं हो सकता, ए स्टार्टिंग में। गॉट इट? तो बच्चों कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए इसमें। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, कौन सी फाइंडिंग्स भाई? Which findings I am talking about? But और देखिए यार, चलो छोड़ो, but मैंने बताया था, but का हम कब यूज करते हैं? जब दो contradictory statements को जोड़ना हो। कौन कौन से हैं? अब तक तो हमने लाइफ को ऐसे देखा था, वैसे देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा सी और बी एक साथ आएंगे, सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी, सी के बाद बी, सी के बाद बी, बच्चों कहाँ है? सी के बाद बी, सी के बाद बी, तो मैं कहूंगा या तो थर्ड में होगा या सेकंड में होगा,
सी के बाद भी थर्ड में ही है, तो आंसर इज थर्ड। कुछ करना पड़ा, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट लीजिए। दीज मीडियम्स, कौन से मीडियम्स भाई, विच मीडियम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दे फाउंड, हु आर दे, कौन है ये दे? आपको पर्याप्त क्लू मिल गया आगे बढ़ने के लिए। दीज मीडियम्स, विच मीडियम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दे, वॉट दे, क्या उनको? तो मैं कहूंगा बच्चों एबीसी से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, स्टार्टिंग डी से होगी और डी से केवल एक में है। लो कितनी लाइफ आपकी सिंपल कर दी ऑप्शन, तो वी गॉट द आंसर डी करेक्ट। क्लियर हूं बच्चों? नेक्स्ट, नेक्स्ट हूं आपको, यस। देखिए नेक्स्ट, वन ऑफ टू, देखिए करप्शन इज यूजुअली वीड फ्रॉम वन ऑफ टू पर्सपेक्टिव, द फर्स्ट इज द मॉरलिस्ट और सेकंड इज द रिविजनिस्ट। द रिविजनिस्ट से मैंने ट्रिक लगाई, इसका मतलब पर्सपेक्टिव की बात हो चुकी है, वो किसमें हुई है? बी। बच्चों बी के बाद ए आना चाहिए, देखो कहां है, खोजो कहां है, सेकंड में, तो सेकंड आंसर, पहले में भी है तो पहला आंसर, देखिए देखते हैं कौन सा आंसर, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन डी से क्या स्टार्टिंग हो सकती है भले आदमी, नहीं हो सकती ना, इट बिलीव अभी इट क्या है, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम बी बिकॉज इट इज क्लियरली डिफाइनिंग द टॉपिक। जो आप कह रहे हैं वही मैं मान रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आता? ओके, यस, पढ़ने तो नहीं लग गए इसको महाराज, पढ़ने लग गए हो भाई, पढ़ने, अपना टाइम बर्बाद मत करो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल से थोड़ी मात्र स्टार्ट होगी। टुडे, आज ऐसा है, हिस्ट्री में ऐसा था, द ट्रेडिशन गोइंग टू एक्सप्लेन, भैया ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट बता दो मुझे तुम सीधा सीधा। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, द यूनिवर्स हैज प्रेजेंटेड एन इन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ डेंजर्स टू द एक्सप्लोरर्स, पूरी हिस्ट्री में उन्होंने क्या भेजा है, डेंजरस भेजे। फॉर एग्जाम्पल, फिर इसका एग्जाम्पल किसमें दिया गया, ए में, तो बी के बाद ए आना चाहिए, बी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, किसमें है बी से स्टार्टिंग, केवल थर्ड में। टुडे, सी से स्टार्टिंग नहीं, डी से नहीं, ए से नहीं, स्टार्टिंग बी से, कितनी लाइफ सिंपल हो गई आपकी, व्हाट इट अ नॉट। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रिक्स आपके पैरा जंबल सारे हो जाएंगे एसएससी में बच्चों, बहुत मार्क्स के, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो मेंस है उसमें करीब 20 25 30 मार्क्स के आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, तो 30 मार्क्स आप आराम से गेट कर सकते हैं। बात बाकी का, सीडीएस में आपने देखा होगा काफी आते हैं, एनडीए में ये काफी आते हैं, राइट, एयरफोर्स में ये आते हैं, तो पैरा जंबल्स के लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंक पीओ में बहुत आते हैं ये, ध्यान रखना, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, केवल सिंपल ट्रिक लगाएं, इनको धड़ाक से आप सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा अंग्रेजी दिखाने की जरूरत नहीं, राइट और नॉट? ठीक है बच्चों, सी यू टुमारो।